रिकॉर्डिंग क्लब समूह के सभी साथियों को मुकेश जैन की ओर से सप्रेम नमस्कार। सर्वप्रथम मैं रिकॉर्डिंग क्लब के संचालक समिति का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस कंप्यूटर संबंधी श्रृंखला को प्रारंभ करने का अवसर दिया। साथ साथ मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस श्रृंखला को प्रारंभ करने हेतु आपके बहुमूल्य सुझाव दिए। आपके अमूल्य सुझावों के बिना इस प्रशिक्षण की सार्थकता असंभव है, इसलिए आप सभी से मेरा सविनय एवं विनम्र निवेदन है कि आप अपने बहुमूल्य सुझाव शंकाएं इस समूह के पटल पर रखें ताकि हम सब मिलकर इस श्रृंखला को अधिक से अधिक अर्थपूर्ण बना सके। आप सभी से यह अनुरोध है कि आप अपनी राय श्रृंखला को सुनकर अवश्य रखें ताकि मेरे द्वारा किए जा रहे इस कार्य में और सुधार लाया जा सके। आशा है कि आप मुझे अपना कीमती समय देते हुए अपनी प्रतिक्रियाओं से मुझे प्रोत्साहित करेंगे। तो साथियों, सरस्वती माँ के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए एवं तमसो माँ ज्योतिर्गमय का वरदान मांगते हुए मैं इस श्रृंखला का शुभारंभ करता हूँ। आप सभी का संपूर्ण रिकॉर्डिंग क्लब की समूह की ओर से इस कंप्यूटर प्रशिक्षण की श्रृंखला में हार्दिक स्वागत करता हूं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के इस कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम इस कोर्स का पहला लेसन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है यह रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आज के इस आधुनिक युग में हम अपने दैनंदिन कार्य को सुचारू रूप से निपटाने हेतु कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करते हैं, जिनमें आप अपने घर से लेकर सफर में, कार्यालय में, स्कूल में, दफ्तर में, अस्पताल में आदि जगह आप इन उपकरणों का उपयोग करते हैं, जिनमें विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट आदि उपकरण आपके दैनंदिन महत्वपूर्ण कामकाज का एक अटूट हिस्सा बन गए हैं। आप इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर अपनी कुछ उंगलियों का उपयोग करके छोटे से बड़े काम को भी कुछ ही सेकंडों में निपटा देते हैं, जैसे अपने मोबाइल पर कुछ नंबर डायल करके विश्व के किसी भी कोने में बैठे आपके साथी से रूबरू बात कर सकते हैं। कंप्यूटर पर आप उसी साथी को अपने दस्तावेज पेपर के माध्यम से भेजते हैं, जिसे हम फैक्स टेक्नोलॉजी कहते हैं। टीवी पर मौजूद कुछ क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण भी आप देख पाते हैं। इंटरनेट के माध्यम से आप विश्व के किसी भी पर्यटक स्थल की सैर अपने स्क्रीन पर घर बैठे कर सकते हैं, जहां आप जाने के लिए सोचते हैं। तो आप जब इन कार्य को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं, तब आप अपने पास मौजूद उस उपकरण को अपना वह काम करने के लिए आदेश देते हैं, और वह उपकरण तब आपके इस आदेश को प्राप्त होते ही आपकी सेवा में हाजिर होते हैं। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि वास्तव में यह सभी काम, यानी आपके आदेश का पालन,
आपका वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं करता है, बल्कि पर्दे के पीछे से रहकर उन काम को आपके पास के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में लोड ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसे यदि आप अपने किसी साथी को फोन लगाना चाहते हैं अपने या अपने कंप्यूटर के माध्यम से आपके किसी साथी को अपने दस्तावेज भेजना चाहते हैं, तब आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से उस लहजे में बात नहीं करते हैं जब कोई दो व्यक्ति जैसे बात कर रहे होते हैं। जैसे मेरे दोस्त विकास को फोन लगाओ, बल्कि आप उस वक्त अपने मोबाइल में मौजूद डायल पैड को ओपन करते हैं, तत्पश्चात उसका नंबर डायल करते हैं और फिर डायल बटन को दबाते हैं। तब जाकर आपका मोबाइल आपके इच्छुक साथी विकास को फोन लगा पाता है। यानी आपका इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपके आदेश को पालन करने के लिए अलग भाषा का उपयोग करता है, जो कि दो व्यक्ति के बीच के बात की शैली से बेहद विपरीत होती है। यानी आपका इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपके हर काम निपटाने के लिए केवल आंकड़ों की भाषा समझता है, जिसे एक और शून्य वन एंड जीरो। यानी आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में लोड ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे मिलने वाले आदेश को अपनी भाषा में यानी मशीन लैंग्वेज में रूपांतरित कर यानी कन्वर्ट कर उसका नतीजा आपके समक्ष प्रस्तुत करता है, जिसे आपके आदेश का पालन होता है। यानी अब तक आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक विशेष भाषा का समूह है जो आपके एवं उस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के बीच तालमेल का कार्य करता है, यानी मध्यस्थता का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है। यानी सिवाय ऑपरेटिंग सिस्टम के वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण केवल मामूली डिब्बे नुमान है। चूंकि हमारे इस कोर्स का विषय कंप्यूटर के कामकाज सीखना है, तब हम कंप्यूटर में लोड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। जब आप कंप्यूटर सबसे पहले ऑन करते हैं, तब सबसे पहले आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, जो सबसे पहले यह चेक करता है कि आपके कंप्यूटर से जुड़े विभिन्न अंग यानी पार्ट्स या कंपोनेंट्स, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, डीवीडी ड्राइव आदि ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। यदि किसी भी इन अंगों में या कंपोनेंट्स में वह कोई दोष पाता है, तब उसकी जानकारी वह आपको सबसे पहले दे देगा और आपको सूचित करेगा कि आपका यह कंप्यूटर का विशिष्ट अंग यह ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसे रिपेयर करने की जरूरत है। अन्यथा यदि आपके कंप्यूटर के सभी अंग ठीक से काम कर रहे हैं, तो वह सफलतापूर्वक लोड हो जाएगा। आपके इस ऑपरेटिंग सिस्टम की भूमिका यही पूरी नहीं होती है, यह निरंतर गतिशील होते रहती है। जब आप अपने कंप्यूटर पर काम करते हैं, जैसे अपने कीबोर्ड के जरिए कोई भी लेटर टाइप करते हैं, तब आपके द्वारा लिखे गए हर अक्षर को यह ऑपरेटिंग सिस्टम आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। जैसे यदि आप अपने कीबोर्ड पर ए टाइप करते हैं, तो आपके स्क्रीन पर
एक डिस्प्ले होता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि आपका कंप्यूटर आपके द्वारा लिखे ए टू जेड की भाषा नहीं समझता है, वह केवल जीरो और वन के आंकड़ों की भाषा समझता है। तो हर इन ए टू जेड के अक्षर को समझने के लिए कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में विभिन्न आंकड़े सेट हैं, जो अपने अंदर से उन अक्षर के आंकड़ों को समझते हैं और आपके स्क्रीन पर उस अक्षर को फिर डिस्प्ले करते हैं। यानी यदि आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पर लेटर ए टाइप करते हैं तो लेटर ए के लिए जो भी आंकड़े का संकेत होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में सेव होता है, तब वह आंकड़ों के माध्यम से वह उस ए को समझता है और फिर उसे अपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। जब आप माउस के जरिए किसी फाइल पर आकर डबल क्लिक करते हैं तब आपके स्क्रीन पर वह फाइल ओपन हो जाती है। यानी इन सभी आदेश को समझने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी एक विशेष भाषा का उपयोग करता है। जैसे यहां यदि आप अपने कंप्यूटर से यह कहेंगे कि इस फाइल को ओपन करें तो वह आदेश आपका कंप्यूटर पूरा नहीं कर पाएगा। यानी आपके कंप्यूटर का और एक रोल यह भी होता है कि आपके कंप्यूटर से जुड़े विभिन्न अंगों के बीच तालमेल बिठाना एवं उन्हें एक्टिव रखना। यानी अब तक हमने यह देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम यह कार्य करता है कि आपके बीच यानी यूजर एवं कंप्यूटर में मौजूद सब जो अंग रहते हैं, जो पार्ट्स रहते हैं, उनके बीच एक तालमेल बिठाता है। लेकिन अब यहां ऑपरेटिंग सिस्टम का यह भी रोल है कि वह कंप्यूटर में मौजूद विभिन्न अंगों के बीच एक समन्वय बिठाता है और यह इंश्योर करता है कि कंप्यूटर के सभी अंग एक्टिव रहे, गतिशील रहे, कार्यशील रहे। यानी आपके द्वारा कंप्यूटर में डाली गई जानकारी जो आपने कीबोर्ड इस इनपुट डिवाइस के माध्यम से डाली, इसे आपके कंप्यूटर के दूसरे अंग मॉनिटर पर पहुंचाकर डिस्प्ले कराने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम ने किया। मॉनिटर यहां एक आउटपुट डिवाइस हो गया। यानी जो जानकारी आपने कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट की थी यानी डाली थी, उसे डिस्प्ले करने का काम यह मॉनिटर पर हुआ, जो एक आउटपुट डिवाइस है। और यह जो काम किया यह ऑपरेटिंग सिस्टम ने किया। समय समय पर आप अपने कंप्यूटर के साथ कई बाहरी उपकरण भी जोड़ते हैं, यानी एक्सटर्नल डिवाइसेस भी जोड़ते हैं, जैसे पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, मोबाइल आदि, ताकि उन बाहरी उपकरण की जानकारी को आपके कंप्यूटर में डाला जा सके या आपके कंप्यूटर में मौजूद किसी सामग्री को इन बाहरी उपकरण में डाला जा सके। तो इस तरह जब आपके कंप्यूटर एवं उन बाहरी उपकरण के बीच जानकारी के आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती है, तब संभव है कि आपके कंप्यूटर से कोई सामग्री जो आप नहीं उस उन बाहरी उपकरणों में डालना चाहते थे, वह भी उन उपकरणों तक चली जाए या उन बाहरी उपकरणों में मौजूद वायरस, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कीटाणु रूपी होता है, वह आपके कंप्यूटर में प्रवेश ना करे और इस तरह उसे रोकने का काम आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम भी करता है। यानी आपके कंप्यूटर की सुरक्षा को भी वह बरकरार रखने का काम आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जो आपका कंप्यूटर ऑन
होने की अवस्था में किसी भी बाहरी अनाधिकृत हमले से आपके कंप्यूटर को बचाकर रखता है। इस तरह आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य तो अनगिनत हैं जिन्हें हम बारी बारी इस कोर्स में सीखने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी अभी जो हमने आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य बताए वह मूलभूत हैं, यानी यह बेसिक रोल्स हैं जो हर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। यानी हर कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम इन कार्य को अवश्य निभाएगा, चाहे फिर वह कंप्यूटर किसी भी कंपनी द्वारा विकसित किया गया हो या आपके कंप्यूटर में कोई भी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो। आज के समय में आपके कंप्यूटर पर लोड करने हेतु कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स उपलब्ध हैं, लेकिन इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे ज्यादा प्रचलित तीन तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जिनमें पहला है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन नामक कंपनी द्वारा बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को 1980 यानी 1980 से बना रही है। तो इस तरह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 1980 से लेकर आज तक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के कई वर्जन्स रिलीज किए हैं, जैसे विंडो 95, विंडो 2000, विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8 और विंडो 10। इन हर विभिन्न वर्जन्स के साथ माइक्रोसॉफ्ट अपने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का डिजाइन चेंज करते हुए उनमें नई नई सुविधाएं ऐड करता गया और इस तरह कंप्यूटर यूजर्स का काम अधिक से अधिक आसान एवं शीघ्र बनाते गया, जिसमें एक बात प्रमुख यह भी है कि जो कंप्यूटर पहले केवल कीबोर्ड और माउस के जरिए अपनी जानकारी कंप्यूटर में फीड करने के लिए किए जाते थे, वही काम अब आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को टच यानी स्पर्श करके भी कर सकते हैं, यानी केवल टच के माध्यम से भी यह सभी आप काम कर सकते हैं। दूसरा प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम है मैकिंटोश, जो कि एप्पल कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। तीसरा प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स, जो कि एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और यह कई व्यक्तियों के व्यक्तिगत सहयोग, कई संस्थाओं के योगदान का मिला जुला निर्माण है। यह सभी ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग एक ही तरह के कार्य करते हैं, केवल उनके काम करने का ढंग अलग होता है, उनकी बनावट अलग होती है, मगर मकसद सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का लगभग एक सरीका ही होता है। इस कोर्स में हम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7, जो 2009 में रिलीज हुआ था, और इसी कंपनी द्वारा बाद में विकसित विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 8, जो 2012 में लॉन्च हुआ था, इसके उपयोग के बारे में हम सीखेंगे, जिसे हम जॉस स्क्रीन रीडर के साथ उपयोग करेंगे। तो उम्मीद है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के इस संक्षिप्त परिचय पर आधारित यह लेसन आपको समझ में आ गया होगा।